दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। बात मध्य प्रदेश के चुनाव की है, जहां कांग्रेस राजनीतिक दल आदिवासी जन जागरण यात्रा निकालकर आदिवासी सीटों पर फोकस कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश का सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी समरसता यात्रा निकाल रही है, माने पूरी चुनाव में यात्राओं का दौर जारी है। दोनों राजनीतिक दल यात्राओं के माध्यम से ही अब मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन सवाल तो सत्ता से ही होता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से जहां उनके महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ग्वालियर से चुनावी अभियान का बिगुल फूंका, वहीं अब भूरिया जी अपनी आदिवासी जनजागरण यात्रा लेकर निकल चुके हैं। देखिए, ये यात्रा फायदे के लिए नहीं निकाली जा रही है, ये यात्रा आदिवासियों को एकजुट करने के लिए निकाली जा रही है। क्योंकि जिस तरह से लगातार आदिवासी पर अत्याचार प्रदेश में बढ़ रहा है, ये चीज साफ है, भाजपा ये अत्याचार रोकना नहीं चाहती है, क्योंकि इनके ही लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि पूरे मध्य प्रदेश में 36 विधानसभाओं में घूमकर, 18 जिलों में घूमकर 2200 किलोमीटर की ये जो यात्रा करने का एक ही उद्देश्य है, आदिवासी की स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना, आदिवासी को जगाना, उनकी जो पहचान है उसको मिटने नहीं दे रहा। और इसलिए हम सब लोग, मैं रामू भाई चंद्र सरवरदेव जी निकले हैं और लगातार हर जगह जाकर बता रहे हैं कि किस तरह मणिपुर में बीजेपी ने क्या करा, सीधी में बीजेपी ने क्या करा, नीमच में बीजेपी ने क्या करा, नीमावर में बीजेपी ने क्या करा। और ये सरकार सिर्फ आदिवासियों का शोषण करेगी, और अगर आदिवासी समाज को बचाना है तो आपको भाजपा को हटाना पड़ेगा। भाजपा की उल्टी गिनती तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब लगातार भाजपा आदिवासियों पर अत्याचार कौन करने में पूरी तरह से नाकाम थी और आरोपियों को बचाने में पूरे दिन रात एक कर रही थी। और अब आपको मैं बता दूं, आदिवासी समाज जाग गया है और किसी भी तरह से आदिवासी समाज अब बीजेपी को तख्ता पलट कर ही रहेगा। उसके तोड़ में सागर से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी एक विशाल मंदिर बनाकर आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। आज हम फैसला कर रहे हैं कि यहाँ संत रविदास जी महाराज का एक विशाल और भव्य मंदिर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। हम अद्भुत मंदिर बनाएंगे, ये उनका उपकार है समाज, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, समाज को जो उन्होंने दिया है उससे कोई उर्ण नहीं हो सकते। भव्य मंदिर बने, हाँ ऐसे भवन भी हो जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम होते रहे, और वहाँ उनने जो लिखे हैं, जो दोहे हैं उनके, जो अलग अलग शिक्षाएं दी है, उन्होंने सीख दी है, वो सारी उकेरी जाएगी। और संत रविदास जी की पूरी लीला, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसे जितने प्रसंग रहेंगे सारे प्रसंग उकेरने का काम करेंगे। उसकी तैयारी आज से ही प्रारंभ की जाती है। क्या वास्तव में मध्य प्रदेश का चुनाव केवल आदिवासी मतदाताओं को लुभाने और रिझाने का ही रह गया है, जबकि आदिवासियों के शोषण और उनके दमन की अनेक शिकायतें और खबरें आम हो चली हैं? ये दोनों यात्राएं क्या क्या कारगर होंगी, किसके पक्ष में जाएंगी, किसके विपक्ष में जाएंगी, यह समय बताएगा। लेकिन चुनाव के मौसम पे यात्राओं का दौर निरंतर जारी है, और निश्चित रूप से यात्राओं के साथ साथ अब डायलॉग डिलीवरी का भी दौर आने वाला है, इसलिए आप सब तैयार रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।